मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने आज से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान को आरंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने आज से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के समन्वय भवन में सार्थक ऐप को लॉन्च किया और किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में 11,458 टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी। इस दौरान 2.5 से 3 लाख सैंपल टेस्ट किए जाएंगे और सार्थक ऐप की मदद से कोरोना को हराया जाएगा। तो जरूरत पड़ेगी तो सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे। अभी 7,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, ये संख्या हम बढ़ाएंगे और 15 दिन में 3 लाख के आसपास टेस्ट सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। कोरोना को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किल कोरोना अभियान में हम सभी बढ़ चढ़ के भाग लें, कोविड मित्र भी बने, स्वयं से भी, संस्थाओं के मित्र, समाज से भी, वो अपने आप इस अभियान को प्रस्तुत करें ताकि हमारे कोरोना की जो टीम है, सर्वे की जो टीम है, उनमें गैर सरकारी भाई और बहन भी सम्मिलित हो सके और कोरोना के अलावा मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इस तरह की मौसमी बीमारियों का भी सर्वे किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश को बीमारी मुक्त कर सकें और कोरोना को मध्य प्रदेश में जड़ से समाप्त कर सकें। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 11,458 सर्वे टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक टीम को नॉन कनेक्टेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराया गया है। किल कोरोना अभियान में सर्वे द्वारा संदिग्ध मरीजों के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के संदिग्ध मरीजों को भी चिन्हांकित कर इसकी प्रविष्टि सार्थक ऐप में की जाएगी। प्रदेश में सर्वे के बाद चिन्हित संदिग्धों के 3 लाख से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे। रोजाना 21,000 टेस्ट किए जाने की क्षमता विकसित की गई है। इसमें प्रदेश के औसत पॉजिटिविटी से अधिक पॉजिटिविटी वाले 13 जिलों में सघन सैंपलिंग RT-PCR और TRUN-AT के जरिए होगी। ऐसे 29 जिले जहां पॉजिटिविटी दर प्रदेश के औसत से कम है, उनमें जनरल सर्वेलेंस के लिए पूल्ड सैंपलिंग की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।